गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। देखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो आइसोमेरिज्म है, एक लंबा चौड़ा टॉपिक है। कई टाइप्स का इसमें आइसोमेरिज्म होता है, क्लासिफिकेशन भी इसका लंबा है, तो आप स्किप ना करें। देखिए, हम सीक्वेंसेस को डिस्कस करते हैं। दिस इज आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन आप सभी को स्टूडेंट्स पता ही होगा, कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। दिस आइसोमेरिज्म इट इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। ये दो टाइप्स के अंदर यहां पे इसका क्लासिफिकेशन है। एक है स्टूडेंट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दिस इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। Now, what is structural isomerism? The isomerism which arises due to difference in structure of compounds, ठीक है? और इसकी classification है, वो हम अभी discuss करेंगे। और एक जो type का है 12th के अंदर isomerism, वो है students आपका space isomerism। This is space isomerism। This space isomerism, it is also known as stereo isomerism। एक और नाम इसका stereo isomerism। Now, this structural isomerism, it is further classified into four types। ये चार types में और है। कौन कौन सी हैं? एक है students ionization isomerism, this is ionization isomerism। जो second type है इसका, वो है students hydrated isomerism, it is also known as solvated isomerism। और जो थर्ड टाइप है इसका, वो है लिंकेज आइसोमेरिज्म, दिस इज लिंकेज आइसोमेरिज्म। उसके बाद स्टिल वन मोर टाइप, एक और टाइप है इसका, और वो है स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, दिस इज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो ये हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का टाइप्स डिस्कस किया। नाउ वी विल डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेस आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। दिस स्पेस आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इधर इट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। वन इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड अनदर इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। वन इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, geometrical isomerism, and another type is optical isomerism, this is optical isomerism। इनका भी classification है। फिर से क्या classification है? geometrical isomerism जो होता है, it is classified into two types। ये दो types के अंदर classification है इसकी। कौन कौन सी दो types हैं? देखिए, it is mostly present in स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। स्क्वायर प्लेनर के अंदर होता है ये, और ऑक्टाहेड्रल के अंदर होता है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इट इज नॉट प्रेजेंट इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर ये प्रेजेंट नहीं होता है। डिस्कस कर लेते हैं टेट्राहेड्रल में क्यों नहीं होता है। देखिए, टेट्राहेड्रल शेप होती कैसी है स्टूडेंट्स? ये इस टाइप का कुछ टेट्राहेड्रल शेप होता है, ठीक है? और इस टेट्राहेड्रल शेप के अंदर अगर किसी भी लिगेंड को आप ए लिगेंड यहां लगाते हैं, बी लिगेंड यहां लगाते हैं, सी लिगेंड यहां पे लगाते हैं, द रिलेटिव पोजीशन ऑफ लिगेंड्स विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर इज सेम। जो रिलेटिव पोजीशन है लिगेंड्स की, वो क्या है? सेम। ऑल दीज पोजीशन दे आर इक्विवेलेंट, सभी पोजीशन इक्विवेलेंट है, तो इसलिए इसके अंदर नहीं होता। ये जो बॉन्ड एंगल है, ये भी इक्विवेलेंट होता है इसके अंदर, 109 डिग्री 28 मिनट्स। सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इट इज नॉट प्रेजेंट इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर ये नहीं होता है। नाउ दिस स्क्वायर प्लेनर, इट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू फोर टाइप्स। इसके आगे भी चार टाइप्स हैं। कौन-कौन सी है? एम ए टू बी टू टाइप, ठीक है? एम स्टैंड फॉर मेटल आयन, A stand for ligand, B stand for ligand। और coordination number देखिए, square planar है, tetrahedral और square planar के अंदर जो coordination number होता है 4 होता है, तो coordination number 4 होना चाहिए। ये देखिए, ये metal है, इसका coordination number 4 है, 2 plus 2, 4, ठीक है? उसके बाद एक और type है इसकी, वो type है MA2BC type। यहाँ पे भी देखिए, coordination number 4 होना चाहिए, 4 है coordination number, A ligand आपका 2 हो गया, B और A के C 4 हो गया, 2, 3, 4। उसके बाद एक और type है इसकी, ये type है MAB2 type, ठीक है?
AB, what does it mean? AB, what does it mean? It means AB, it is unsymmetrical bidentate ligand. ये एक unsymmetrical bidentate ligand है. और जो bidentate ligand है, 2 है, तो इसका twice कीजिए, 4. तो यहाँ पे भी metal का coordination number कितना हो गया? 4. और एक और टाइप है इसका, ये टाइप है MABCD टाइप. Again, M stands for metal ion, A is ligand, B is ligand, C is ligand, and D is also a ligand. Now, this octahedral complex, it is also classified into 4 types. Iska bhi aage 4 types hain. Kaun kaun si iski aur 4 types hain, wo hum discuss kar lete hain. Dekhiye iski kaun kaun si 4 types hain. Ek iska type hai student M, A2, B4 type. Theek hai? फिर इसका एक और टाइप है, ये टाइप है इसका M और आपका AB या AA कर लीजिए आप इसको MAA2 and B2. आपको स्टूडेंट्स याद क्या रखना है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा. तो यहां पे देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ये मेटल है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ये हो गए, 2 ये हो गए, 6 हो गया. यहां पे देखिए ये जो AA है, दिस इज AA, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है, तो इसका डबल कीजिए, 2 का डबल 4 और ये 2, 6 हो गया. ठीक है, और एक जो इसकी टाइप है वो है स्टूडेंट्स MA3B3 टाइप. एक ये भी टाइप है इसका और एक टाइप इसका ये है. और जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है स्टूडेंट्स, ये भी 3 टाइप्स का है. कौन-कौन सी 3 टाइप्स हैं इसके अंदर? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में होता है ये, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर होता है. याद रखिए स्टूडेंट्स, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इट इज नॉट प्रेजेंट इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस. स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के अंदर जो ऑक्टाहेड्रल है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के अंदर नहीं पाया जाता है. ठीक है, क्यों नहीं पाया जाता है हम यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं ताकि वहां पे हमारे पास दिक्कत ना हो. ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इट इज नॉट प्रेजेंट इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस. ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इट इज प्रेजेंट इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस एज वेल एज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. स्क्वायर प्लेनर में क्यों नहीं होता ऑप्टिकल? देखिए स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ऐसा होता है, एक स्क्वायर ड्रॉ कीजिए. नाउ इट हैज प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है. व्हाट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री? प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है स्टूडेंट्स? प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है? अगर आप इसको यहां से काटते हैं और लेफ्ट और जो राइट का पोर्शन है इक्वल होता है तो इसके अंदर क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री. तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है. प्लेन ऑफ सिमेट्री के कारण ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के अंदर नहीं पाया जाता है. ठीक है, केवल टेट्राहेड्रल के अंदर पाया जाता है और ऑक्टाहेड्रल के अंदर पाया जाता है. इट इज प्रेजेंट ओनली इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस एंड इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर ये पाया जाता है. तो अब स्टूडेंट्स इनको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को हम डिस्कस करते हैं. इसका जो फर्स्ट टाइप है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म. आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है? उससे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि एक ये फ्लो चार्ट है, आपको कंफ्यूज नहीं होने देगा, आपको पता रहेगा कौन सा आइसोमेरिज्म है, कंफ्यूज नहीं होंगे आप जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, तो हम डिस्कस कर लेते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म को. क्या होता है स्टूडेंट आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म? उससे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पता ही होगा. व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म? द आइसोमेरिज्म व्हिच अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. और फर्स्ट टाइप जो है इसका आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, इसको डिस्कस करते हैं. देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म. आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म स्टूडेंट्स, द कंपाउंड्स विच हैव सेम केमिकल कंपोजिशन बट गिव डिफरेंट आयन्स इन एक्वस सॉल्यूशन इज नोन एज आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म. जिन कंपाउंड्स का केमिकल कंपोजिशन सेम है लेकिन एक्वस सॉल्यूशन के अंदर काउंटर आयन्स अलग अलग दें तो उसको आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं. एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल के बिना समझ में नहीं आएगा. तो देखिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं. एक एग्जाम्पल लेते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म का, मैं इसको रफ कर देता हूं. देखिए
इसे भी रफ कर देते हैं, आपके माइंड में पिक्चर आ ही गया होगा। सी तो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म डिस्कस कर रहे थे हम, फिर से लिख लेते हैं एक बार, दिस इज आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, बड़ा बड़ा लिख लेते हैं। देखिए सपोज आपके पास एक ये कॉम्प्लेक्स है, दिस इज कोबाल्ट, और जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है स्टूडेंट 6 होता है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, दिस इज NH3 5। और एक मेरे पास यहाँ पे जो आयन है, एक और जो हमारे पास यहाँ पे लिगेंड है, सपोज वो मैं ब्रोमीन ले लेता हूँ, और जो काउंटर आयन है वो सल्फेट है। ठीक है, अब ये स्टूडेंट्स लिखा कैसे मैंने, जो कोबाल्ट है इसका सेकेंडरी वैलेंसी या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो आपको 6 बैलेंस करना है, NH3 लिगेंड 5 हो गए, एक ही हो गया 6। और जो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये जो इतना है इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं, और बाहर जो ये सल्फेट है इसको हम क्या बोलते हैं, काउंटर आयंस। अब स्टूडेंट्स जो सल्फेट है, सल्फेट का जो वैलेंसी है -2 होता है, और जो कॉम्प्लेक्स होता है एज ए होल इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, न्यूट्रल होता है ये, तो अगर इसके ऊपर काउंटर आयन के ऊपर -2 है तो इसके ऊपर चार्ज +2 होगा। ठीक है, अब इसी कॉम्प्लेक्स को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, दिस इज कोबाल्ट, ये हमारा NH3 है, मैं सल्फेट को कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ले जाता हूं, ब्रोमीन को बाहर लेके आता हूं, ये देखिए क्या गया, मैंने सल्फेट को अंदर लिया है, इस ब्रोमीन को बाहर लेके आता हूं, ये बाहर लेके आ गया, इसके ऊपर -1 चार्ज होता है, अगर काउंटर आयन पे -1 है तो इसके ऊपर कितना होगा, +1 होगा। ठीक है, अब स्टूडेंट अब अगर आप इसका एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं और आप इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं, तो देखिए ये कैसे डिसोशिएट होगा, इसके अंदर काउंटर आयन क्या मिलेगा आपको, सल्फेट मिलेगा, और इसको इसके अंदर काउंटर आयन आपको क्या मिलेगा, ब्रोमाइड आयंस मिलेंगे। यही डेफिनेशन थी इसका, द कंपाउंड्स विच गिव डिफरेंट आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, जो एक्वस सॉल्यूशन में डिफरेंट आयंस दें, यहां पे कौन कौन से आयन मिलेंगे आपको, ये आपको कैटायन मिलेगा, सल्फेट आपको काउंटर आयन मिलेगा, यहां पे ये कैटायन मिलेगा जब इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे, और जो काउंटर आयन है यहां पे इसके अंदर इस कॉम्प्लेक्स में जो काउंटर आयन है आपको क्या मिलेंगे, ब्रोमाइड आयंस। इनको हम टेस्ट भी कर सकते हैं, देखिए कैसे टेस्ट करते हैं, आप दो सॉल्यूशन लीजिए, एक इसके अंदर आप सिल्वर नाइट्रेट डालिए, एक बेरियम क्लोराइड डालिए, देखिए मैं इसके अंदर बेरियम क्लोराइड डालता हूं, अगर मैं इसके अंदर बेरियम क्लोराइड डालता हूं तो ये बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बनेगा। ठीक है, और सिल्वर नाइट्रेट डालता हूं तो इसमें कुछ नहीं होगा, तो बेरियम सल्फेट बना, इसका मतलब इसके अंदर काउंटर आयन कौन सा है, इसके अंदर काउंटर आयन सल्फेट है। आप इसके अंदर भी दोनों चीज डालिए, एक बार इसके अंदर आप सिल्वर नाइट्रेट डालिए, ये मैंने इसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट डाला, और एक बार आप इसके अंदर डालिए बेरियम क्लोराइड, जब हम इसके अंदर बेरियम क्लोराइड डालेंगे कोई रिएक्शन नहीं होगी स्टूडेंट्स, नो रिएक्शन। ठीक है, और जब मैंने इसके अंदर स्टूडेंट सिल्वर नाइट्रेट डाला तो यहां पे अब फिर से प्रेसिपिटेट बनेगा, किसका प्रेसिपिटेट बनेगा, AgBr का, तो AgBr का जो प्रेसिपिटेट बना ये इंडिकेट करता है कि इसके अंदर काउंटर आयन क्या है, ब्रोमाइड आयंस हैं, तो ये आपका आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म हो गया। इन दोनों कंपाउंड्स का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है सेम है, लेकिन ये सल्फेट आयन काउंटर आयन है इसके अंदर, और इसके अंदर काउंटर आयन ब्रोमाइड आयन से। टेस्ट कैसे किया, इसके अंदर सल्फेट आयन से काउंटर आयन, इसमें ब्रोमाइड आयन से काउंटर आयन, आपने इसके अंदर बेरियम क्लोराइड डाला तो इसके अंदर बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बना, इसमें सिल्वर नाइट्रेट डाला तो इसके अंदर AgBr का प्रेसिपिटेट बना। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अब डिस्कस करते हैं हम हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म, इट इज ऑल्सो नोन एज सॉल्वेटेड आइसोमेरिज्म, एक और नाम है इसका सॉल्वेटेड आइसोमेरिज्म। ठीक है, किसी भी नाम से आ जाए, देखिए हाइड्रेटेड या सॉल्वेट, इससे ही आपको कुछ कुछ इंडिकेट हो रहा होगा कि यहां कहीं ना कहीं वाटर जो है वो लिगेंड का काम कर रहा है, और कहीं ना कहीं यहां वाटर जरूर इन्वॉल्व है। हाइड्रेटेड और सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, ठीक है स्टूडेंट्स, तो हाइड्रेटेड और सॉल्वेट आइसोमेरिज्म क्या होता है, जहां कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर और अंदर दोनों ही जगह, बाहर और अंदर जो वाटर है वो लिगेंड हो। देखिए कैसे, मेरे पास ये हमारे पास वाटर,
ठीक है, तो ये मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है स्टूडेंट, क्रोमियम है, सिक्स वाटर लिगेंड है, क्रोमियम का जो सेकेंडरी वैलेंसी है सिक्स है, और इसमें काउंटर आयन कौन सा है हमारा Cl3, इट इज वॉयलेट इन कलर, वॉयलेट कलर होता है इसके अंदर, और ये जो काउंटर आयन है ये इसके अंदर थ्री है, ठीक है, थ्री आयोनिक क्लोरीन्स। इसी कॉम्प्लेक्स को स्टूडेंट्स मैं कैसे लिख सकता हूं, देखिए क्या डेफिनेशन थी हाइड्रेटेड और सॉल्वेट आइसोमेरिज्म की, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर और इसके बाहर किसका डिफरेंस होना चाहिए, वाटर जो लिगेंड का काम कर रहा है इसका डिफरेंस होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, एक वाटर को बाहर लाता हूं कोऑर्डिनेशन स्फीयर से, और क्रोमियम का सेकेंडरी वैलेंसी सिक्स बैलेंस करने के लिए एक सीएल को अंदर लेके जाता हूं। देखिए ऐसे, ये क्रोमियम था आपका, ये वाटर लिगेंड था, क्या किया मैंने, एक वाटर को मैं बाहर लेके जा रहा हूं, एक सीएल को मैं अंदर लेके जा रहा हूं। तो मैं सीएल को अंदर ले आया, पहले तीन सीएल थे अब दो रह गए, और मैं वाटर को बाहर ले आया, ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट्स। तो अभी भी देखिए क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स है, पांच लिगेंड है, वाटर लिगेंड है पांच, और एक आपका क्लोराइड है, क्लोराइड क्लोरीन लिगेंड है आपका। मैं इसी कॉम्प्लेक्स को ऐसे भी लिख सकता हूं एक और तरीके से, ये हमारे पास क्रोमियम था, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो आयोनिक क्लोरीन है कितनी है, आयोनिक दो आयोनिक क्लोरीन है, इट हैज टू आयोनिक क्लोरीन्स, ठीक है, और इसके अंदर आयोनिक क्लोरीन कितनी थी, तीन क्लोरीन थी। इसी कॉम्प्लेक्स को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, यहां इस कॉम्प्लेक्स में मैंने क्या किया था, एक वाटर जो लिगेंड था इसको मैं बाहर लेके गया था कोऑर्डिनेशन स्फीयर से, अब मैं दो वाटर लिगेंड को कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर ले आता हूं। तो अगर मैं दो को बाहर लेके आता हूं तो यहां रह कितने जाएंगे, चार रह जाएंगे, ये चार रह जाएंगे, ठीक है, दो बाहर लेके गया हूं तो दो ही सीएल मेरे को अंदर लेके आने पड़ेंगे, ये दो सीएल मैं अंदर ले आया। तो अब यहां सीएल कितना रह गया, एक रह गया, और वाटर कितने हो गए आपके, दो। तो इसके अंदर आयोनिक क्लोरीन एक है स्टूडेंट्स, आयोनिक क्लोरीन वन आयोनिक क्लोरीन है, डार्क ग्रीन इसका कलर होता है, डार्क ग्रीन, ये वॉयलेट होता है, ये वाला वॉयलेट आपका, ये डार्क ग्रीन है। तो ये हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म था आपका, सॉल्वेटेड आइसोमेरिज्म था, जहां पर ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, ये अंदर और बाहर किसका डिफरेंस होता है, वाटर लिगेंड का डिफरेंस होता है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले टाइप के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को डिस्कस करते हैं। जो थर्ड टाइप का हमारा आइसोमेरिज्म था स्टूडेंट्स, वो था हमारा लिंकेज आइसोमेरिज्म। थर्ड टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इज लिंकेज आइसोमेरिज्म, ये लिंकेज आइसोमेरिज्म है हमारा स्टूडेंट्स। इसका कैसे आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे, कहाँ लिंकेज आइसोमेरिज्म होता है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि आपको दो तीन कॉम्प्लेक्स दे दिए और वो पूछेगा इसमें कौन सा आइसोमेरिज्म है। तो लिंकेज जो आइसोमेरिज्म है, इट इज प्रेजेंट वेयर एम्बिडेंट लिगेंड्स आर प्रेजेंट। इसका यही आइडेंटिफिकेशन है कि लिंकेज आइसोमेरिज्म वहां पे होता है स्टूडेंट्स जहां पर एम्बिडेंट लिगेंड्स हो। एम्बिडेंट लिगेंड्स क्या होते हैं, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, दिस इज एम्बिडेंट लिगेंड, द लिगेंड विच हैव टू डोनर एटम बट ओनली वन डोनर एटम फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ऐसा लिगेंड जिसमें डोनर एटम दो हो लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड केवल एक बनाए, उसको हम एम्बिडेंट लिगेंड बोलते हैं। बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हमने डिस्कस किए थे, CN इसका एग्जाम्पल है, NO2 इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, NO2 को लेते हैं यहां पे। सपोज स्टूडेंट्स मेरे पास एक ये कॉम्प्लेक्स है, दिस इज क्रोमियम, और ये मेरे पास NH3 5, और ये मेरे पास NO2, ठीक है, कॉम्प्लेक्स आयन है मेरे पास, कैटायन है कॉम्प्लेक्स आयन। तो कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स फाइव ये हो गए, क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स, NH3 जो लिगेंड है फाइव हो गया, और NO2 एक हो गया, सिक्स हो गए। मैं इस कॉम्प्लेक्स को स्टूडेंट्स ऐसे भी लिख सकता हूं, इस कॉम्प्लेक्स आयन को, दिस इज क्रोमियम, दिस इज NH3 5। यहां पे स्टूडेंट्स जो नाइट्रोजन है,
ये जो NO2 है ये ambivalent ligand है, इसके अंदर नाइट्रोजन भी डोनर एटम हो सकता है, इसके अंदर ऑक्सीजन भी डोनर एटम हो सकता है। अगर नाइट्रोजन डोनर एटम होगा तो ये नाइट्रो होगा, और NO2 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ONO, अभी भी NO2 है। अगर ऑक्सीजन से लिंकेज हो रही है तब हम इसको कहेंगे नाइट्राइट, और इस चैप्टर में इसका नाइट्रीटो ई को रिप्लेस करेंगे ओ से, ठीक है, यहां हम इसको बोलेंगे नाइट्रीटो, ई को रिप्लेस कर दिया ओ से, ठीक है। तो NO2 एम्बिडेंट लिगेंड है, इसमें नाइट्रोजन भी डोनर एटम हो सकता है, ऑक्सीजन भी डोनर एटम हो सकता है। इफ लिंकेज टेक प्लेस बाय नाइट्रोजन देन नाइट्रो कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड, एंड इफ लिंकेज टेक प्लेस बाय ऑक्सीजन देन नाइट्राइट्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। देख लेते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं तब ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैं इस कॉम्प्लेक्स आयन को ड्रॉ करता हूं, ये क्रोमियम था मेरे पास, NH3 मेरे पास 5 थे, ये फर्स्ट NH3 है, सेकंड NH3 है, थर्ड NH3 है, फोर्थ NH3 है, ये फिफ्थ NH3 है, और ये NO2 है। तो इस कॉम्प्लेक्स आयन में 6 लिगेंड थे, NH3 5 थे, NO2 1 था, मैंने सबको ड्रॉ कर लिया। NH3 में नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, इसने अपना लोन पेयर इसको दिया, इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, ठीक है स्टूडेंट्स, और पूरा करके लिख लेते हैं इसको। इसने अपना लोन पेयर इसको डोनेट किया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, इसने अपना लोन पेयर दिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, नाइट्रोजन पे लोन पेयर था, इसको डोनेट किया सेंट्रल एटम को, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, और इस नाइट्रोजन ने जो एम्बिडेंट लिगेंड का काम कर रहा था यहां पे, अपना लोन पेयर डोनेट किया, क्रोमियम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया। गौर से देखिए स्टूडेंट्स, यहां NO2 जो एम्बिडेंट लिगेंड था इसका नाइट्रोजन लिंकेज कर रहा है क्रोमियम के साथ। अब देखिए, अब मैं इस कॉम्प्लेक्स को लिखता हूं, सेंट्रल एटम हमारे पास क्रोमियम था, NH3 जो लिगेंड थे वे हमारे पास कितने थे, 5 लिगेंड्स थे जो NH3 थे मेरे पास, और जो NO2 ग्रुप है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये ऐसे लिख दिया मैंने NO2 को, ठीक है, यहां NO2 था, NO2 को मैंने ONO लिख दिया, अभी भी आपको बताया था एम्बिडेंट लिगेंड है, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। तो देखिए मैं इसको ड्रॉ करता हूं, NH3 5 थे, ये फर्स्ट NH3 है, सेकंड NH3 है, थर्ड NH3 है आपका, फोर्थ NH3 है, फिफ्थ NH3 है, और ये आपका ONO। इसने नाइट्रोजन है लोन पेयर इसको डोनेट किया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, इसने डोनेट किया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसने किया, इसने डोनेट किया, इसने डोनेट किया, ठीक है स्टूडेंट्स। और यहां पे ऑक्सीजन, अब ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर क्रोमियम को डोनेट करेगा और क्रोमियम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां पे देखिए लिंकेज किससे हो रही है, ऑक्सीजन से हो रही है, और यहां पे लिंकेज क्रोमियम के साथ किससे हो रही थी, नाइट्रोजन के साथ हो रही है। अगर नाइट्रोजन के साथ लिंकेज होती है तो नाइट्रो कंपाउंड्स बनते हैं, और ऑक्सीजन के साथ लिंकेज होती है तो नाइट्राइट्स बनते हैं, जिनको हम ई को रिप्लेस ओ से कर देते हैं, नाइट्रीटो कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है। तो ये लिंकेज आइसोमेरिज्म है। तो इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है, लिंकेज आइसोमेरिज्म इज प्रेजेंट इन दोज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स विच हैव एम्बिडेंट लिगेंड, जिसमें एम्बिडेंट लिगेंड हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक और टाइप है उसको भी हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। से द फोर्थ टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। जो फोर्थ टाइप का हमारा है वो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है। देखिए क्या होता है स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म ये सबसे सिंपल है, और कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म का स्टूडेंट्स क्या आइडेंटिफिकेशन है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म पहले लिख लेते हैं इसको एक बार हम, दिस इज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में स्टूडेंट्स क्या होता है, जो दोनों ही कॉम्प्लेक्स आयन, जो दोनों ही आयन है, दोनों ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, एंड इट डिफर इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिगेंड्स। कैसे, पहले इसको डिस्कस करते हैं। देखिए मेरे पास एक ये कॉम्प्लेक्स है, ये क्रोमियम है, NH3 6, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स आयन है, और ये कोबाल्ट है,
CN6, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स आयन है, ये भी कॉम्प्लेक्स आयन है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां पे ये कैटायन, ये एनायन, पहले कैटायन लिखा जाता है बाद में एनायन, दोनों ही आयन कॉम्प्लेक्स हैं, दोनों स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखे गए हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट में है, ये भी स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, दोनों स्क्वायर ब्रैकेट में लिखे हैं, तो बोथ द आयन्स दे आर कॉम्प्लेक्स आयन, दोनों ही कॉम्प्लेक्स आयन्स हैं। मैं इसको ऐसे करके भी लिख सकता हूं, दिस इज क्रोमियम, यहां क्रोमियम के साथ लिगेंड कौन सा है, NH3, मैं CN लिख देता हूं, CN6, कोबाल्ट के साथ साइनाइड था, NH3 कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स इन दोनों कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या डिफरेंस है, दोनों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कोई डिफरेंस नहीं है, इसमें एक क्रोमियम था, इसमें भी एक क्रोमियम है, इसमें साइनाइड 6 है, इसमें भी 6 है, एक कोबाल्ट था, इसमें भी एक कोबाल्ट है, NH3 6 थे, इसमें भी NH3 6 है, सो दे हैव सेम केमिकल कंपोजिशन। इन दोनों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, इसका और इसका केमिकल कंपोजिशन सेम है, तो फिर डिफरेंस क्या है, दे डिफर इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिगेंड्स। ये किस में डिफर कर रहे हैं, लिगेंड्स के डिस्ट्रीब्यूशन में डिफर कर रहे हैं, यहां पे लिगेंड्स इंटरचेंज हो गए हैं, क्रोमियम के साथ NH3 लिगेंड था, यहां क्रोमियम के साथ कौन सा लिगेंड आ गया, CN आ गया। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म का क्या डेफिनेशन हुआ, विच डिफर इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिगेंड्स और वेयर देयर इज इंटरचेंज ऑफ लिगेंड्स, जहां पे लिगेंड्स का इंटरचेंज हो। तो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हमारे यहां खत्म हो जाता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे स्पेस आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म, टिल देन गुड बाय।